अभी भी बचा हुआ है ना, जिसका सेंसर अपने आप बजने लगा वो खत्म। हाँ, बाइक हुआ तो पूरा डोस गया। हाँ, एयर बैग खुल गया है। पिछले 24 घंटों में झारखंड पे जो मानसून है वो काफी प्रबल रहा है और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। साथ साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है 102 मिलीमीटर लातेहार में देखने को मिली है। और साथ साथ हिंदीगिर में 96.2, आम्रपारा में 92 मिलीमीटर, चतरा में 90.5 मिलीमीटर, बालूमात में 79 मिलीमीटर, मांडर में 84.8 मिलीमीटर, सियालचाक में 83.5 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। साथ साथ में आपके जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहां भी आपको भारी बारिश देखने को मिली है। अब बात करते हैं कि जो सिनॉप्टिक फीचर, जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जो कि इंटीरियर गंगाटिक वेस्ट बंगाल और उसके नेबरहुड में एसोसिएटेड था, अभी वो गंगाटिक वेस्ट बंगाल और जॉनिंग झारखंड के पास में स्थित था और इससे जुड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7.6 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल है और इसका लाइकली मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होने वाला है अक्रॉस बिहार और सदर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अगले 2-3 दिनों में। और एक फ्रेश लो प्रेशर एरिया है जो सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल उत्तर प्रदेश बना हुआ है, उससे एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन 7.6 किलोमीटर एवं मीन सी लेवल बना हुआ है। तो आने वाले दिनों में भी जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में जो लो प्रेशर बना हुआ है उसका असर भी झारखंड में जा रहे थे यार, पता नहीं यार, घर में जब उठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि एकदम पूरा इतना पानी, पूरा कपड़ा लता सब भींग गया। इन लोग घर में तो और तबाही हो गया है कि पूरा एकदम आटा चावल बेचारी लोग अभी भरी थी और पूरा एकदम मतलब पूरा भींग के पूरा एकदम ही बह गया है। और अभी भी देखिए ना, पूरा बेचारी लोग अभी तो घर से बेघर हुई हुई है, कहाँ रहेगी, कहाँ ही करेगी। तो अगल बगल बाकी लोग आश्रय दिया हुआ है तो है, अभी तक कोई नहीं आया ना, अभी तक कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा मुस्कुरा।